ओके बेटा चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग एनएलएम। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक टर्निंग पॉइंट है फिजिक्स सीखने के लिए, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स के मेन लॉ है, यहीं से आपको जो है बहुत सारी फिजिक्स सीखने को मिलेगी अपकमिंग फ्यूचर में अगर आपको ये लॉज आते हैं। तो चलो समझते हैं न्यूटन्स लॉ को लगाने से पहले व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स वी नीड टू रिमेंबर, क्या क्या चीज़ें हमको पता होनी चाहिए इसमें। तो फर्स्ट थिंग येस्टरडे आई टोल्ड यू, कल मैंने आपको बताया था बेटा कि जो अपने पास न्यूटन्स लॉ है ये सिर्फ एक कंडीशन में, सबसे नेसेसरी कंडीशन ये है, तो दे आर ओनली अप्लाइड इन इनर्शियल फ्रेम। तो न्यूटन्स के जो लॉ है वो कहाँ अप्लाई होते हैं, फर्स्ट थिंग दैट इज इनर्शियल फ्रेम। तो न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम, मेन चीज ये है, ठीक है। तो व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम होती क्या है, तो मैं समझाता हूँ आपको। तो सपोज व्हाट इज फ्रेम, फ्रेम इज बेसिकली प्लेटफॉर्म, फ्रेम इज बेसिकली सरफेस ऑन विच ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग। मान लो ये ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर के पास एक क्लॉक भी है, वो सब कुछ देख रहा है यहाँ बैठ के, हाथ में उसके बेटा क्लॉक भी है ये, ठीक। और ये फ्रेम है, अगर ये पूरे की पूरी फ्रेम स्टेशनरी है यानी कि रेस्ट में है, तो ऑब्वियसली इसकी जो एक्सेलरेशन होगी फ्रेम की वो कितनी होगी, ज़ीरो। ऐसी कोई भी फ्रेम जिसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है दैट इज कॉल्ड व्हाट, इनर्शियल फ्रेम। ओके बेटा, तो इनर्शियल फ्रेम में सारे के सारे जो न्यूटन्स के थ्री लॉ है वो सारे के सारे एप्लीकेबल हो गए, ओनली इन इनर्शियल फ्रेम, रिमेंबर, राइट। तो हम यहां लिख लेते हैं एनएलएम, फर्स्ट एनएलएम टू, एनएलएम थ्री, ऑल आर एप्लीकेबल, ऑल आर एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, ऑल आर एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम। तो यहीं से हमारी शुरुआत होगी, पूरा नीट का जो स्ट्रक्चर है, नीट में जो क्वेश्चंस आए हैं आज तक, वो सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट हम सारे कुछ यहाँ करने वाले हैं अलोंग विद द एससी बर्मास बेस्ट क्वेश्चंस। तो ये काफ़ी फ्रूटफुल सेशन रहने वाला है, चलो देखते हैं। बेसिक से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो NLM 1, NLM 2, NLM 3, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 2, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 3, ऑल आर स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम। यानी कि इन लॉ को लगाने के लिए हमको सबसे पहले क्या चेक करना है, वेदर इट इज इनर्शियल फ्रेम या फिर इनर्शियल फ्रेम नहीं है। तो अगर एक इनर्शियल फ्रेम है, ऐसा तो है नहीं कि सारी जो सिचुएशंस है अराउंड अस वेयर वी आर अप्लाइंग द न्यूटन्स लॉ वो सारे की सारी इनर्शियल फ्रेम में ही होगी। हो सकता है रेयर केसेस में जो है दूसरी फ्रेम भी हो। तो व्हाट इज द सेकंड फ्रेम, सेकंड फ्रेम इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये नोट कर दिया बेटा आपने वाला, यस यस सर। ओके, तो सेकंड अनदर फ्रेम इज व्हाट, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो देखते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होने वाला है। नॉन इनर्शियल फ्रेम अच्छे से हम सीखने वाले हैं पेज वाइज। नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ओके, ये जस्ट अपोजिट है बेटा। जो पिछले वाला फ्रेम था वो था इनर्शियल फ्रेम, उसके जस्ट अपोजिट क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। चलो देखते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में लिख लेते हैं कुछ। मान लो ये कोई फ्रेम है, एक प्लेटफॉर्म है,
ऑन विच ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग, जिसके ऊपर एक ऑब्जर्वर खड़ा है। हैविंग वॉच इन इज हैंड, उसके हाथ में क्या एक वॉच है। अब वो उसकी जो फ्रेम है बेसिकली वो मान लो एक्सेलरेट कर रही है, यानी कि मूव कर रही है, उसकी कुछ एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इज नॉट ज़ीरो, यानी कि कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इज नॉट ज़ीरो का मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होना, ठीक। ऐसी सिचुएशन को या ऐसी फ्रेम को हम क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। ऑल्दो जो न्यूटन्स के लॉ है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है, पर हम इसमें कैसे लगाएंगे उस कंडीशन को हम आगे जाके पढ़ेंगे थ्रू द क्वेश्चन, उसको बोलेंगे स्यूडो कंडीशन। स्यूडो कंडीशन, स्यूडो का मतलब होता है फिक्शियस बेटा। तो ये मैं बताने वाला हूँ, जब आप पूरा नॉलेज लेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, तो स्यूडो कंडीशन कौन सी सिचुएशन में लगेगी, ओनली इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। स्यूडो कंडीशन क्या होती है, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, जो आपके पास क्या है नॉन इनर्शियल फ्रेम, उसको हम क्या बना देंगे इनर्शियल बाय अप्लाइंग दिस कंडीशन। नॉन इनर्शियल को क्या बनाएगा, दैट बिकम इनर्शियल। जैसे वो इनर्शियल बन जाएगी ऑब्वियसली न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल हो जाएगी, बट ये करना काफ़ी टफ है, बट फिर भी हम इस फ्रेम को क्या बोलेंगे, कंडीशंस को क्या बोलेंगे, स्यूडो कंडीशन। और जो वहाँ फोर्स एसोसिएटेड होगा रिलेटेड टू दिस कंडीशन उसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स को डिटेल में हम तब करेंगे थ्रू द क्वेश्चंस ऑफ एस सी वर्मा इन अपकमिंग डेज, ठीक है। पर पहले हमको ये नॉलेज कि नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होती है और यहाँ पे इसका क्या रोल रहेगा इन दिस चैप्टर, ठीक है बेटा, समझ आ गया। यस यस सर। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि आफ्टर नोइंग इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम, अब हम कैसे न्यूटन्स लॉ के अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले काफ़ी फेमस एग्जांपल है जो अर्थ है बेटा, द अर्थ। ये जो अर्थ है, अर्थ क्या है बेसिकली, अर्थ एक प्लेनेट है, मान लो ये सन है। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ, ये मान लो अर्थ है, दिस इज अर्थ, क्लियर, जो कि किसी वेलोसिटी से घूम रही होती है। और इसकी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो इधर लगती है सेंटर की तरफ, और जो इसकी स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि जो अर्थ है बेटा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को फॉलो करती है जिसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में जो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी अलोंग द स्पीड, जो वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये मैं आपको सर्कुलर मोशन में डिटेल में बताऊंगा सारा। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ इसके पास क्या होगी, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होती है वी स्क्वायर बाय आर, ये भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में। ये तो जीरो नहीं होगी बेटा, ये जीरो नहीं होगी, ठीक। अगर ये जीरो नहीं होगी तो होगी कितनी, बहुत कम, क्योंकि स्पीड 8 किलोमीटर पर आर के आसपास है और रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, तो बहुत बड़ा। इनके वेरी स्मॉल वैल्यू होगी एक्सेलरेशन की, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, नेगलेक्ट, यानी कि जो नेट एक्सेलरेशन हुई अर्थ की अप्रोक्सीमेटली हम इसको इग्नोर करेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे, यानी कि जीरो मानेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक्सेलरेशन नहीं है, है, दैट इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, बट वो बहुत छोटी है, दैट कैन बी इग्नोर्ड। तो इसीलिए वैसे तो हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम नहीं मान सकते, बट इस कंडीशन को अप्लाई करके अर्थ को क्या मानेंगे हम, एज एन इनर्शियल फ्रेम। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि अर्थ कैसी फ्रेम है, वी कैन कंसिडर इट इनर्शियल फ्रेम, बट इट इज़ नॉट प्योरली इनर्शियल फ्रेम। अब ऐसा क्यों मैं सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो इवेंट है वो कहाँ करनी है हमको, अर्थ के ऊपर, इसलिए अर्थ को हम इनर्शियल मान के इसमें न्यूटन्स के लॉ लगाएंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो अर्थ क्या है, दैट इज इनर्शियल फ्रेम बिकॉज इट्स नेट एक्सेलरेशन इज वेरी वेरी लो, नियर टू जीरो। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब हम आते हैं रियल सिचुएशन में, न्यूटन्स लॉ से पहले और क्या चीज़ हमको पता होनी चाहिए। अब हम सबसे पहले बेसिकली न्यूटन्स लॉ पढ़ते क्यों हैं, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ न्यूटन्स लॉ। तो बेसिकली जो एनएलएम है बेटा, न्यूटन्स के जो लॉ है,
वो हमको बताते हैं एक चीज के बारे में, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट इज अबाउट द फोर्स। ये लॉ सिर्फ और सिर्फ किस बात की डिस्कशन करते हैं, फोर्स कि फोर्स क्या चीज है, फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि फोर्स का नेचर क्या है। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, एनालिटिकली और मैथमेटिकली दोनों चीजों से जो है हमको फोर्स के बारे में बताते हैं। अब नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, NLM 1 आपसे पूछा जाएगा, जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है वो क्या बताता है हमको, वो बताता है क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। कौन सी डेफिनेशन, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव डेफिनेशन। अब वो क्या है वो लॉ में हम डिटेल में सीखेंगे, बट एक प्राइमरी आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि आप प्लस टू कर चुके हैं, तो इसलिए प्राइमरी आइडिया मैं मिक्स करके दूंगा आपको, क्वालिटी डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक, अगर हम बात करें बेटा NLM 2 की, यानी कि न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, वो क्या बताता है, वो बताता है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द फोर्स, यानी कि क्वांटिटेटिव, या हम इसको मैथमेटिकल भी बोल सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैथमेटिकल बोलेंगे, अदरवाइज दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो एक बार नीट में यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो बी केयरफुल अबाउट इट। अब बात करते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ, अल्टीमेटली व्हाट इज द सोल रिजल्ट ऑफ दिस लॉ, क्या बताता है हमको, ये बताता है बेटा नेचर ऑफ द फोर्स, नेचर ऑफ फोर्सेस। ठीक, जिसमें एक को इसने एक्शन बोला, ये हम डिटेल में सीखेंगे जब हम लॉ को करेंगे, और दूसरे फोर्स को बोला गया रिएक्शन, यानी कि या तो फोर्स एक्शन होना चाहिए या फिर रिएक्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन, तो दिस इज द नेचर ऑफ द फोर्स। ओके, तो ये था बेसिक आइडिया बिफोर गोइंग टू द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, कि ये बताते क्या हमको, क्या करते हैं हम इसमें। अच्छा, बिफोर स्टडिंग द दीज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन टू थर्ड, इनके फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ थर्ड लॉ, तो हमको थोड़ा सा बेसिक फोर्स का आइडिया लेना पड़ेगा यहाँ पे। चलो, आई होप आपने नोट कर दिया होगा ये, ठीक है। तो इस एरिया से बेटा एक बार देखो, नीट में कई बार ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको जो है वो आपसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे जो एक एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन काफ़ी पहले नीट के एग्जाम में आया था, नीट का मतलब, तो जब ये क्वेश्चन आया था उस टाइम ये CBSE PMT होता था, अब नीट है, ठीक है। तो अगर आया था तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है किस एरिया से वो क्या चीज़ देख रहे हैं, यानी कि वो बेसिक चीज़ें भी पूछ रहे हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी पूछ रहे हैं, मैथमेटिकल तो पूछ ही रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी पूछ रहे हैं, तो एवरीथिंग दे आर गोइंग टू आस्क, इसलिए किसी भी चीज़ को हम स्किप नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है बेटा। यस सर। चलो देखते हैं अब अगला केस। ऑलराइट, अब अगले केस में हम क्या देखेंगे कि फोर्स, अब हम थोड़ा सा फोर्स के बारे में डिटेल में नॉलेज ले लेते हैं कि फोर्स क्या चीज़ है। वैसे तो फोर्स कोई पहली बार आप सुन नहीं रहे हैं, आप 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, अब 13th में जो है आप दोबारा से फोर्स को पढ़ रहे हैं, तो 13th में हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हम 8th का स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, हम 13th का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। चलो देखते हैं बेटा, फोर्स जब भी हमने सुना था पहली बार, फोर्स फर्स्ट टाइम व्हेन वी लिसन अबाउट द फोर्स, तो फोर्स में दो चीज़ें हमने खास देखी थी, वन इज पुश, एक तो हमने पुश की बात की है, और दूसरा क्या है पुल, यानी कि फोर्स लगाने के दो ही तरीके हैं किसी बॉडी में, या तो हम बाय पुलिंग इधर बाय पुशिंग। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स को क्या होता है, ना पुश का क्लियर नॉलेज होता है ना ही पुल का क्लियर नॉलेज होता है, चलो देखते हैं इसको समझ लेते हैं। सपोज दैट ये कोई प्लेन सरफेस है, और प्लेन सरफेस के ऊपर कोई, सपोज दैट हमारे पास एक कोई बॉडी है, लेट दिस इज द ब्लॉक ओवर द प्लेन सरफेस, ये कोई बॉडी है मान लो, ठीक।
और इस बॉडी पे क्या है, हमने एक फोर्स लगानी है जिसका नाम हम रखेंगे पुल। चलो भाई पुल फोर्स लगाते हैं, तो पुल हमेशा इस तरीके से हम लगाएंगे बेटा। तो दिस इज द केस वेयर इट इज कॉल्ड पुल, यानी कि जब आप फोर्स ऐसे लगाएंगे कहीं पे भी आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए, जैसे आप किसी ट्रॉली को खींच रहे हैं, है ना, तो वो क्या है एक हिसाब से पुल। अब बात करते हैं पुश क्या है, ये बिल्कुल क्लियर नॉलेज होना चाहिए हमको पुश और पुल का, ठीक। तो इसी तरह से मान लो आपके पास एक और ब्लॉक ले लेते हैं, जैसे मान लो आपने एक ब्लॉक लिया है ना, और इस पे देख लेते हैं फोर्स। अब फोर्स मैं कुछ ऐसे लगा रहा हूँ बॉडी पे, वापस लगा रहा हूँ, पहले बॉडी से बाहर की तरफ लगाया, अब बॉडी से वापस लगाया। तो जब भी आप ऐसा फोर्स लगाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे फ्यूचर में, पुश। अब ये पुश और पुल का जो नॉलेज है यहाँ तो काम आएगा ही लॉज ऑफ मोशन में, आगे जाके फ्रिक्शन में भी काम आएगा, वर्क एनर्जी में भी काम आएगा, एक बार क्लियर करके हर जगह काम आएगा। अब यहाँ पे पूरी हम डेफिनेशन लिखने वाले नहीं है, और इस फोर्स इज नथिंग, इट इज जस्ट अ पुल और पुश एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब जैसे ये पुल और पुश एक्ट करेगा बॉडी में क्या चेंजेस आने के चांस है बॉडी में, तो ये थोड़ा सा हमको डिटेल में सीखना पड़ेगा। या तो कंप्लीट चेंजेस आएंगे या फिर टेंड्स टू चेंज, या इस बॉडी की टेंडेंसी होगी चेंज होने की, टेंड्स टू चेंज। अब क्या चीज़ चेंज होने वाली है यहाँ पे, ये आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते हैं, फर्स्ट चीज़ आपके पास चेंज होती है डायरेक्शन। तो जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी डायरेक्शन में चेंज आने की पॉसिबिलिटी है, या फिर चेंज आता है, टेंड्स टू चेंज और या फिर कंप्लीट चेंज। सेकेंड थिंग, उसकी स्पीड में भी चेंज आएगा, जैसे आप फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली स्पीड में चेंज आएगा। मान लो एक फुटबॉल है, ठीक, आप उस ये पहले से मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, अब आपने इसमें किक लगा दी पीछे से और फोर्स लगा दी 10 न्यूटन, पहले तो ये चल ही रहा था 2 से, तो आने वाले टाइम में यानी कि आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स इसकी स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, ये फास्ट चलने लग गया ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड में चेंज हुआ है। तो दैट इज कॉल्ड, वैसे तो शेप में भी चेंज होगा, पोजीशन में भी चेंज होगा, स्टेट में भी चेंज होगा, बट यहाँ पे हमको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक है डायरेक्शन, दूसरा है स्पीड, ठीक है। आप और भी लिख सकते हैं शेप, पोजीशन एटसेट्रा, आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो आज के बाद जो फोर्स का कॉन्सेप्ट है उसमें हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे, पुश और पुल क्या होता है और इसको लगाने से बॉडी में क्या चेंज आते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ है जो ये फोर्स है इसका नेचर क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये है वैक्टर क्वांटिटी, यानी कि वैक्टर का जो अलजेब्रा है वो हम सारा यहाँ पर लगा सकते हैं, इट इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वैक्टर क्वांटिटी है, ठीक। दूसरी चीज, इसका एसआई सिस्टम में यूनिट क्या है, तो दैट इज न्यूटन, और सीजीएस में जो यूनिट है वो है डायन। जूनियर में भी आपने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम 1 न्यूटन की बात करें वो होता है 10^5 डायन, ठीक है। आगे जाके हम इसका एक और यूनिट पढ़ेंगे, वो है केजीएफ, केजी वेट ग्रेविटेशनल चैप्टर में, जब मैं आपको ग्रेविटेशन चैप्टर नीट के लिए यहाँ पे करने कराऊंगा तो वहाँ पे मैं इसके ग्रेविटेशनल यूनिट भी दिखाऊंगा फोर्स के, ये सिर्फ एब्सोल्यूट यूनिट है ना, क्योंकि इस चैप्टर में मोस्टली अगर वो भी हो गए तो वो भी हम लिख लेते हैं साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केजीएफ और जीएफ, ठीक, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। तो केजीएफ अगर कहीं लिखा होगा इसका मतलब है किलोग्राम फोर्स, तो 1 kgf होता है 9.8 न्यूटन के आसपास। फिलहाल आपको इतना अभी नॉलेज होना चाहिए, बाकी डिटेल में मैं आपको इसको ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में मास वेट के डिफरेंस में और फिजिकल बैलेंस में बताऊंगा, ठीक। तो वेइंग मशीन भी बेसिकली क्या kgf में करती है, न्यूटन में करती है, वो भी हम देखेंगे इस चैप्टर में जहाँ पे आएगा, तो वी विल डू इन डिटेल, डोंट वरी। क्लियर, अब बेसिक आइडिया फोर्स का क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कितनी टाइप के फोर्सेस हमारे पास आने वाले हैं फिजिक्स में, क्या क्या टाइप के फोर्स हैं। कुछ फोर्स हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे +1 में, कुछ फोर्स जो +2 का कोर्स होगा नीट का हमारा उसमें पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स है तो फर्स्ट यूनिट +2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे,
जैसे आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है तो वो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हाईलाइट मैं सबको ही कर लेता हूँ, उनमें से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्लियर हो गया बेटा ये? यस सर। ओके, तो लेट्स गो। चलो भाई देखते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस की, यानी कि इस दुनिया में जो फोर्स है, नेचर में जो फोर्स है, वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं, और वो फोर्सेस हमारे लिए ज़रूरी है बिकॉज वी आर स्टडिंग द न्यूटन्स लॉ। फर्स्ट टाइप की जो हम फोर्स देखेंगे बेटा, वो है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस फिलहाल इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में मैक्सिमम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन है, ये प्योरली एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। हम डिटेल में सिखाऊंगा मैं सारा आपको ये, ठीक है। हम मोस्टली इसको एन से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में ये आर से भी डिनोट हुआ होता है। सेकेंडरी चीज फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के लिए भी कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है। फ्रिक्शन इसको हम एफ आर से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल एफ से फ्यूचर में। और भी बहुत सारे हो गए, या फिर कोई और भी फोर्सेज हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जैसे मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो हम अलग से प्लस टू में पढ़ेंगे। यहाँ पे और कौन से फोर्सेज हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेज छोड़ के, जैसे अपने पास टेंशन है, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। टेंशन को हम टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। वेट है ऑब्जेक्ट का, तो वेट को, वेट भी एक फोर्स है, इसको हम एम जी से डिनोट करेंगे। या फिर आपके पास स्प्रिंग फोर्स है, डिटेल में मैं सिखाऊंगा, इसको हम के एक्स से डिनोट करते हैं, जिसमें जो के है, के क्या होता है, के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट। ये कुछ फोर्सेस है जो हम न्यूटन्स लॉ करने के लिए यहाँ पे सीखेंगे। वैसे तो बॉयंट फोर्स भी होता है जो लिक्विड में लगता है। तो जैसे आप प्लस टू कर चुके हैं तो यहाँ हम कोई भी फोर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो अगर उन फोर्सेस को हम इंक्लूड करें, जैसे बॉयंट फोर्स अगर कभी आ गया आपके पास, बॉयंट फोर्स कब लगता है, जब लिक्विड होती है, वो होता है रो वी जी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर हम बात करें, वो क्या होता है भाई, वो होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर, कूलम्स फोर्स में हम इसको बोलते हैं। इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, इसके मैग्नेटिक फोर्स के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, फिलहाल आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, वी क्रॉस वी वाला, ठीक। एंड मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, दैट इज जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेयर। ये कुछ मैंने फोर्सेस आपको बताया है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। और कई जगह बॉइंट फोर्स की भी हमको ज़रूरत पड़ेगी फिजिक्स में, तो वैसे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे हर फोर्स के बारे में। तो दिस इज़ द प्राइमरी आइडिया, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द डिफरेंट वेराइटी ऑफ द फोर्सेस, ठीक है बेटा। चलो अब डिटेल में सीखते हैं इन फोर्सेस के बारे में एक एक करके, ताकि न्यूटन्स लॉ में इनको अप्लाई करना हमारे लिए ईजी हो जाए। आई होप यू हैव नोटेड दिस। यस बेटा, यस सर। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे वेट की। पहली फोर्स जो है हम जो सीखने वाले हैं जो है वेट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली वेट क्या है, किसको डिनोट, किससे डिनोट करेंगे हम, एम जी से थ्रू आउट। ओके, अब वेट हमेशा पहली चीज तो ये देखना है कि वेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, दैट इज एम जी। दूसरी चीज, सबसे जरूरी चीज है बेटा, इसकी डायरेक्शन। तो जब भी हम फोर्स दिखाएंगे, वेट तो हिडन है, हमको दिखता नहीं है वेट कहाँ है, ठीक है। तो इसलिए हम उसकी डायरेक्शन जो है यहाँ पे कैसे लेंगे। अच्छा, तो इसकी डायरेक्शन होगी वर्टिकली डाउनवर्ड। वैसे मैं ग्रेविटेशन में बताऊंगा क्यों वर्टिकली डाउनवर्ड लेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। अब कैसे, मान लो वेट को मैंने लिया सबसे पहले ओरिजोनटल प्लेन में,
इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल। या तो कोई भी बॉडी कैसे रखी होगी, सीधे सरफेस पे, तो सीधे सरफेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक, मान लो इस पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया जो कि जिसका मास जो है एम है। अब इसमें मुझे वेट दिखाना है, ठीक, तो वेट कैसे दिखाऊंगा मैं, तो उसके लिए हमको वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, वेट के लिए उसकी डायरेक्शन दिखाई कहाँ से, उसके बिल्कुल सेंटर से, ये बेटा वेट लगा इसमें, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेट एम जी। ठीक, तो वेट हमेशा कहाँ लगेगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी, और कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा चलो इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं। इंक्लाइन प्लेन का मतलब हैविंग सम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इस तरह का जो स्लोप वाला प्लेन होता है इसको बोलेगा हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब इसमें ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, अब देखते हैं वेट कैसे लगेगा। तो ये वेट है, तो वेट जो है बिल्कुल सीधा नीचे को लगेगा एम जी। क्लियर। अब प्रॉब्लम ये है, हम यहाँ फोर्सेस को मैक्सिमम कहाँ पे सॉल्व करेंगे वेक्टर एनालिसिस में, या तो वाई एक्सिस में करेंगे या फिर एक्स एक्सिस में करेंगे। अब यहाँ जो वेट लग रही है वो वाई एक्सिस में लग रही है, नीचे के लिए बिल्कुल सही लग रही है, बट यहाँ पे तो इंक्लाइन प्लेन में हम क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस लेंगे और ये बेटा हम वाई एक्सिस लेंगे। तो इसका वाई एक्सिस कहाँ है, देखो इसका वाई एक्सिस तो ये हुआ जो ब्लॉक है, और इसका एक्स एक्सिस ये हुआ। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब वेट यहाँ पे ना तो एक्स एक्सिस में है ना वाई एक्सिस में है, इसीलिए बेटे जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट बनाएंगे, यानी कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों क्या हो गए, सेम। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो 90+ थीटा हो गया, ये भी 90 डिग्री है तो 90+ थीटा हो गया, एंगल सेम हो गया मैथमेटिकली। तो अब इसका जो कंपोनेंट है जहाँ पे एंगल होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, उसको हम बोलते हैं एम जी कॉस थीटा। ठीक, और इसकी अपोजिट परपेंडिकुलर, तो इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे एम जी साइन थीटा। तो इंक्लाइन प्लेन में थोड़ा सा वेट को आपको कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में सीधा एम जी लगता है। क्लियर हो गया बेटा। यस सर, तो वेट कहाँ लगेगा, हमेशा पहली चीज वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, और कहाँ से लगेगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। अगर कहीं हमको लग रहा है कि वाई एक्सिस में एग्जैक्टली वो नहीं लग रहा है, तो हम उसको अपने कन्वीनियंस के लिए, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, हम क्या करेंगे, वी विल रिजॉल्व दैट वेट इनटू टू कंपोनेंट, स्पेशली इंक्लाइन प्लेन में। तो एक कंपोनेंट होगा जो एम जी कॉस थीटा होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा, और एक कंपोनेंट होगा जो एम जी साइन थीटा होगा जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। आई होप इट्स क्लियर। यस सर। चलो अगली बात करते हैं। अब हम जो दूसरा फोर्स यहाँ पे लेने वाले हैं वो है बेटा टेंशन। तो चलो टेंशन की बात करते हैं। अब टेंशन को थोड़ा केयरफुली आपको समझना है। टेंशन, तो टेंशन को हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे थ्रू आउट, कैपिटल टी इज टेंशन। ठीक, तो टेंशन क्या चीज है, पहली चीज टेंशन बेटा लगती कहाँ पे है ये सीखेंगे हम। टेंशन लगती है स्ट्रिंग में, यानी कि जो धागा है उसमें लग सकती है, स्ट्रिंग हम उसको बोल रहे हैं। और दूसरी चीज आपके पास रोप है कोई, वहाँ भी टेंशन लगेगी, या फिर कोई वायर है थिन वायर, उसमें भी टेंशन लग सकती है ना, या आपके पास इस तरह की कोई भी चीज़ है मतलब जिसको स्ट्रेच किया जा सकता है, तो उसको हम क्या, उसमें क्या लगेगी, हमेशा टेंशन। ठीक है, अब मान लो आपके पास ये सिचुएशन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक, और यहाँ पे मैंने मान लो दो ब्लॉक रख दी, दो ब्लॉक रख लेते हैं यहाँ पे, मान लो एक ब्लॉक ये रख दिया और दूसरा ब्लॉक ये रख दिया। इसके बीच अब एक चीज और है, ये टेंशन तब लगती है जब ये स्ट्रिंग हो, वायर हो, रोप हो, कुछ भी हो, ये सारी कैसी हो बेटा, टाइट हो, स्लैक नहीं हो इनके बीच कुछ। तो जब ये सारी टाइट होगी तभी टेंशन काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। चलो एक रोप ले लेते हैं, है ना, एक रोप ले लेते हैं जो कि इसके बीच बंधी हुई है,
मान लो वो रोप है, ये रख लेते रोप, ये मान लो रोप है जो कि बांधी हुई है, ठीक है बेटा। अभी जो रोप लगी है इसमें आप देख रहे हो एक डॉटी लाइन मैंने जानबूझ के बनाई है, हर पॉइंट पे जो है ये छोटे छोटे उससे बनी हुई है ना, छोटे छोटे डॉट से बनी है, तो किसी भी पॉइंट पे इसमें टेंशन सेम होगी। कब? अगर ये सारे की सारी मासलेस होगी, ये जो स्ट्रिंग है ये कैसे होगी मासलेस। मासलेस स्ट्रिंग को कई बार हम लाइट स्ट्रिंग भी बोलते हैं, तो लाइट भी मासलेस ही हुआ, हल्की मतलब, या फिर कई बार इसको इन एक्सटेंसिबल भी बोला होता है, इन एक्सटेंसिबल, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इसका मतलब है जिसकी लेंथ को जो है चेंज नहीं किया जा सकता, चेंज इन लेंथ इज जीरो, यानी कि जो लेंथ है वो फिक्स रहेगी। यानी कि टेंशन का क्या काम है, उसकी लेंथ को चेंज नहीं होने देना। टेंशन क्या करेगी? टू अपोज चेंज इन इट्स लेंथ, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, चेंज इन इट्स लेंथ। यानी कि आपको बेसिक लेवल पे बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए, तब इजी हो जाएगा फ्यूचर में। यानी कि टेंशन का काम क्या है, वो चेंज ही नहीं होने देगा। अब देखो मान लो मैं फोर्स बेटा इधर को लगा रहा हूँ, ठीक, और इधर को भी लगा रहा हूँ फोर्स, कुछ एफ वन फोर्स है, मान लो एफ टू फोर्स है, तो ये जो स्ट्रिंग है स्ट्रेच हो जाएगी। बट हम फोर्स बार को लगा रहे हैं, बार को लगाने से क्या होगा, लेंथ को बढ़ने के चांस है स्ट्रिंग की, तो उसको रोकने के लिए क्या लगाती है, टेंशन। ये जो है टेंशन लगेगी हमेशा ब्लॉक से दूर की तरफ लगेगी, ताकि लेंथ उतनी बनी रहे, यानी कि टेंशन दूर भगाओ, टेंशन हमेशा दूर की तरफ लगेगी ब्लॉक से। इस तरह से आप अपने लिए याद रख सकते हैं। और जब भी इस तरह की स्ट्रिंग होगी, टेंशन हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम, इस बात को ध्यान रखना है, तो टेंशन हमेशा क्या रहेगी, सेम, ठीक है, तो टेंशन हमेशा क्या रहेगी, सेम। बट ये सेम किसके लिए रहेगी, सिर्फ सिंगल स्ट्रिंग के लिए, सेम फॉर सिंगल। अगर इससे आगे कोई और स्ट्रिंग लगा दे तो फिर उसकी टेंशन अलग होगी। फिर रोटेशनल में हम ये भी पढ़ेंगे, अगर स्ट्रिंग का भी कुछ मास है तो फिर टेंशन अलग अलग लगती है, तो वो सेकेंडरी काम है, मैं रोटेशनल में आपको सिखाऊंगा। अभी फिलहाल आपको यही रखना है, तो जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी, मासलेस स्ट्रिंग होगी है ना, या फिर लाइट स्ट्रिंग होगी, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगी, तो ये मान के चलेगी आप, ये सारी बातें मैंने बता दी है, तो किस डायरेक्शन में हम यहाँ पे टेंशन को लगाते हैं व्हेन यू वांट टू अप्लाई। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ओके, अब बात करते हैं एक और फोर्स, देखते हैं वो कौन सी फोर्स है। तो ऑब्वियसली रो में बहुत सारी फोर्सेस हमारे पास है, पर अभी जो फोर्स हम करने वाले हैं, ठीक है, वो करेंगे हम नॉर्मल रिएक्शन। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट, नॉर्मल रिएक्शन। इसका सबसे ज़्यादा रोल तब होगा जब आप फ्रिक्शन पड़ेंगे आगे जाके, नॉर्मल रिएक्शन, या फिर इसको नॉर्मल फोर्स भी सिंपली हम बोल सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। थ्रू आउट वी विल डिनोट इट बाय एन, कैपिटल एन, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है बेटा। चलो अब नॉर्मल रिएक्शन एक प्योरली कॉन्टैक्ट फोर्स है, एक तो पहले तो ये ध्यान रखना है आपने, इसके लिए कॉन्टैक्ट होना जरूरी है बॉडी के बीच, अगर कांटेक्ट नहीं है तो ये फोर्स जीरो हो जाएगी, ठीक। तो कांटेक्ट इज कंपल्सरी, नेसेसरी, कांटेक्ट इज नेसेसरी। अच्छा अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब ये सीखना है हमने, लगेगी तो लगेगी पर लगेगी कहाँ को, डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। चलो यहां लिख लेता हूं, पॉइंट ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉन्टैक्ट। अब इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं आपको। जैसे बेटा मान लो हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, ऑरिजेंटल प्लेन है, और यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक। वैसे तो अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, बहुत ही जो इरेगुलर सरफेस होता है, और नॉर्मल रिएक्शन बहुत सारी डायरेक्शन में लगती है,
बट हम उन सब का रिजल्टेंट लेंगे, इन सब का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, इन सब का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ ये कांटेक्ट में है, तो यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर ऊपर को लगने वाला है, किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, ठीक। तो उतनी फोर्स बेटा नीचे को भी लगती है, वो किसके ऊपर लगती है, वो ग्राउंड में लगेगी। अगर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है तो ऑब्वियसली नीचे वाले ब्लॉक में लगेगी, पर यहाँ ग्राउंड है तो एक फोर्स ग्राउंड में भी लगेगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल ऊपर भी लग गए, यानी कि ये क्या थी, फोर्स ऑन ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है बेटा, छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं। यहाँ होगी फोर्स ऑन ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक, ठीक है। तो मोस्टली हम इसको इग्नोर करते हैं यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करें ग्राउंड के साथ, क्यों, क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा है, वो तो हिलेगा नहीं इतनी फोर्स लगने से, तो इसलिए हम स्टडी ब्लॉक की करते हैं, तो ब्लॉक वाले को हम कैरी करेंगे। अगर कहीं हमको ज़रूरत पड़े, जैसे मान लो एक ब्लॉक ये है, आगे फ्रिक्शन में हमको बहुत काम आने वाला ये, एक ब्लॉक ये, ऑब्वियसली जब यहाँ नॉर्मल फोर्स लगेगी दोनों पे, तो यहाँ हमारे को ये काम आएगी, नीचे इसमें भी ग्राउंड होगा, ठीक है। तो यहाँ हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ब्लॉक तो चेंज हो गए दोनों, उनकी पोजिशन चेंज होने के चांसेस है जब आप फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो इसमें भी चेंज होने के चांसेस है जब आप फोर्स लगाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ जहाँ ये कांटेक्ट में, देखो कहाँ कहाँ कांटेक्ट में, मैं बता देता हूँ। तो एक तो बेटा यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन कांटेक्ट में है, तो इसके परपेंडिकुलर जो है हम क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे देखो, और यहाँ पे जो है इसका प्लेन कांटेक्ट में है, तो इसके परपेंडिकुलर हमारी एक फोर्स लग रही है, इधर भी लग रही है, यानी कि फ्रॉम द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगती है। चलो अब इसको थोड़ा सा इंक्लाइन या किसी और प्लेन में भी चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, इस तरह का सेटअप आपके पास है, कोई दो टेबल है और इसमें कोई स्फेरिकल बॉल हमने रख दी इस तरीके से, इस तरह के कोई रिजिड सपोर्ट है या टेबल है जो भी है। अब यहाँ पे हमने एक बॉल रख दी, अब इस बॉल पे हमको नॉर्मल रिएक्शन लेना है मान लो, तो कैसे लेंगे, सबसे पहले जहाँ पे कॉन्टेक्ट पे है वहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लो आप कॉन्टेक्ट में यहाँ हैं, यहाँ हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और कहाँ है कॉन्टेक्ट में भाई, यहाँ पे भी कांटेक्ट में है, यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हम जो है क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स, ठीक। ये देखो इसके परपेंडिकुलर यहाँ लग गई, और मैं कलर चेंज कर लेता हूँ दूसरी नॉर्मल के ऊपर, समझा ओके बेटा, क्या बोला आपने, हाँ दो। हाँ बता रहा हूँ, ये देखो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे फोर्स लगेगी। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या मतलब हुआ, ये देखो बेटा इस पॉइंट पे क्या कांटेक्ट में, ये देखो है ना कांटेक्ट में, ये वाला पॉइंट देखो यहाँ, क्या ये कांटेक्ट में पॉइंट, यस सर। तो वहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये जो है ये टेंजेंट है, टेंजेंट पता है ना, सर्कल के एंड पे जो करता है एक पॉइंट पे, ये टेंजेंट इसका प्लेन बनाएगा, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है हम नॉर्मल रिएक्शन लेंगे। मान लो ये N1 है और ये N2 है, यहाँ पे भी देखो कांटेक्ट में वहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया, उसके परपेंडिकुलर क्या लगी, नॉर्मल फोर्स, इसके भी परपेंडिकुलर क्या लगी, नॉर्मल फोर्स, समझ आए। यस सर। हाँ, तो जब यानी कि एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई हमारे लिए, जहाँ पे भी कांटेक्ट होगा बॉडी का वहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगी, और कैसे लगेगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर सीधा प्लेन है तब तो आसान है, जैसे पहले केस में सेकंड केस में लगाया, बट अगर पास सिर्फ पॉइंट है कांटेक्ट में, तो वहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन बनाएंगे जब भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी तो बेटा मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूँ, आगे जब क्वेश्चन में वहां पर भी बताऊंगा एक बार जब ये एक्चुअल में यूज होगा क्वेश्चन में। क्लियर हो गया नॉर्मल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट, यस सर। ओके। तो लेट्स गो फॉर वन मोर, दैट इज स्प्रिंग फोर्स, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो स्प्रिंग फोर्स बहुत सारी जगह हमको काम आने वाला है, एनर्जी में भी आएगा, फोर्स में भी आएगा, SHM में भी आएगा, तो चलो देखते हैं स्प्रिंग फोर्स, वी विल राइट स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स में सिंपल सी बात, एक स्प्रिंग होगी, ये कोई मैंने सेटअप ले लिया और यहाँ पे मैंने स्प्रिंग को बांध दिया, ये मान लो स्प्रिंग है,
लाइक दिस, और इसने एक ब्लॉक भी हमने लगा दिया, ये ब्लॉक है ठीक। तो जब भी कोई स्प्रिंग होगी उसका एक कांस्टेंट होगा, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी कि जो के है उसको हम क्या बोलेंगे हर बार, स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसको फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट बताता क्या है, ये बताता है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। स्टिफनेस का मतलब होता है हाउ मच हार्ड और सॉफ्ट इज द स्प्रिंग ठीक। अगर के की वैल्यू ज्यादा है तो वो हार्ड स्प्रिंग होगा, जैसे शॉकर्स में लगा होता है कार के। अच्छा, अगर के की वैल्यू लो है इसका मतलब वो सॉफ्ट होगा, लूज होगा, जैसे स्लिंग की होती है, सॉफ्ट स्प्रिंग। बस इतना सा फर्क है बेटा। अच्छा अब देखते हैं, सबसे पहले मैं इस ब्लॉक में फोर्स लगाता हूँ। अभी जो स्प्रिंग है इसकी जो लेंथ है बेटा वो नेचुरल लेंथ है ठीक है। नेचुरल लेंथ कितनी है इसकी, मान लो एल है, नेचुरल लेंथ कितनी है एल। तो ऑब्वियसली जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे इसमें तो ये आगे को जाएगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी, मान लो डिस्प्लेसमेंट एक्स होगी। तो जैसे ही डिस्प्लेसमेंट होगी इसी जगह पे बेटा फोर्स लगेगी, वो कौन सी फोर्स होगी, स्प्रिंग फोर्स। ये भी टेंशन की तरह इस स्प्रिंग की लेंथ को चेंज नहीं होने देगी ठीक है। स्प्रिंग फोर्स इस तरीके से लगती है ताकि स्प्रिंग की जो लेंथ है वो चेंज ना हो, चेंज होने से बचाती है। तो कैसे लगानी है हमने, इस साइड के लिए देखो, अगर इस पे लगानी हो तो यहाँ पे भी साइड के लिए लगानी पड़ेगी, यानी कि जो फोर्स यहाँ पे लगी है उसको बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स, एफ एस मैं लिख लेता हूँ। और ये होगी बेटा देखो, एक्स आगे के लिए है और फोर्स पीछे के लिए अपोजिट में, तो माइनस के एक्स भी कई बार इसको हम लिखते हैं, वह तभी लिखते हैं अगर रिस्टोरिंग फोर्स हो, अदरवाइज आपने इसको के एक्स ही लिखना है। ये बात हमको बताई थी रॉबर्ट हुक ने, तो इसलिए कई बार हम इसको हुक्स लॉ भी बोलते हैं। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा इलास्टिसिटी में कि हुक्स लॉ का क्या मतलब है ठीक है। ये लॉ तभी वैलिड है एक लिमिट तक, एक लिमिट के बाद ये इनवैलिड हो जाता है। तो हम लिखेंगे दिस इज लिमिटेड लॉ, लिमिटेड का मतलब एक लिमिट तक ये एप्लीकेबल होता है। जब तक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए तब तक ये लॉ वैलिड है, उसके बाद ये इनवैलिड है, इसीलिए इसको हम लिमिटेड लॉ बोलते हैं। तो इसको नोट कर दीजिए, और खासकर इसकी जो डायरेक्शन, किसी भी ब्लॉक में कब लगाते हैं, कहाँ को लगाते हैं, कितनी लगाते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर व्हाइल यू डीलिंग विद द स्प्रिंग फोर्स। डन, यस सर। तो बेटा ये हमने कुछ फोर्सेस यहाँ पे सीखी है, और भी कुछ जो मैंने बहुत सारी फोर्सेस यहाँ पे बताई, जब लगेगी तो उसी टाइम लगेगा, पर मेनली बेसिक फोर्सेस यही है जो आपको अभी शुरू में सीखनी है ठीक है। तो जब हम कंबाइंड क्वेश्चन बनाएंगे सारे फोर्सेस, उसमें कोई भी फोर्स लगा सकते हैं ठीक है। पर ऐसे क्वेश्चन नीट में मैंने देखे नहीं है कि जिसमें आपके पास जो है एवरी फोर्सेज इंक्लूडेड, हाँ जेई वगैरह में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उधर एडवांस में खासकर ठीक है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स को भी आप इन्वॉल्व कर देंगे, मैग्नेटिक को कर कुछ इस तरह से कंबाइन कर देंगे। तो फिलहाल अभी हमको ये फोर्सेस देखने, अगर यहाँ पे भी कंबाइन करने हो तो हम कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन में देखेंगे ओके। तो सबसे पहली चीज़ हमने सीखी आज इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम राइट, और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में हमने देखा, यहाँ पे क्या है फोर्स, क्या चीज़ है, इनके फोर्सेस की हमको एक कंप्लीट नॉलेज हो चुकी है, कैसे ये लगती है, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर आप इसमें लगा सकते हैं। अब जब हम वेक्टर की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो, तो वेक्टर का मीनिंग यहाँ पे क्या है ठीक। जैसे कंपोनेंट हमने बनाए तो वो भी एक वैक्टर का ही पार्ट है,
ठीक। दूसरी चीज, जैसे मान लो ये कोई ब्लॉक है और इसमें इधर भी फोर्स लग रही है F1 और इधर भी फोर्स लग रही है F2। मान लो ये ब्लॉक इस साइड को मूव कर रहा है, तो बताइए बेटा नेट फोर्स कितनी होगी। नेट का मतलब रिजल्टेंट फोर्स आपने निकालनी है, तो इसके बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री का। तो अगर हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखें, नेट फोर्स का मतलब है रिजल्टेंट, वो होती है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है ना, तो थीटा की जगह हम 180 डिग्री लिखेंगे। कॉस 180 डिग्री होता है बेटा -1। तो अगर ये सिचुएशन यहाँ पे बनती है तो ये बनेगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस, क्योंकि -1 हो जाएगा तो पहले आ जाएगा 2F1F2। तो ये क्या बना, ये तो a माइनस b का होल स्क्वायर बना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं F1 माइनस F2 होल स्क्वायर, और रूट तो है ही है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, F1 माइनस F2। यानी कि जब भी दो फोर्सेस, दो वेक्टर 180 डिग्री से इंक्लाइन हो, तो उनकी जो नेट फोर्स होती है वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है, F1 माइनस F2। ठीक, बट यहाँ पे इसको हम रॉन्ग मानेंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ को जा रही है वहाँ को ज़्यादा फोर्स हो ऑब्वियसली, तो जो ग्रेटर फोर्स होगी वो पहले लिखेगी, यानी कि नेट फोर्स होगी तो सब्ट्रैक्ट, पर हम बड़ी कौन से कहाँ लिखेंगे, पहले बड़ी फोर्स हम पहले लिखेंगे और जो स्मॉल फोर्स है वो बाद में लिखेंगे। तो ये तरीका है, ठीक है बेटा। यस सर। यस, तो इस तरीके से हम आगे, अगर फ्यूचर में टू टू फोर्सेस लग रही है अपोजिट डायरेक्शन, तो ऐसे करेंगे। अगर फोर्सेस लग रही है मान लो सेम डायरेक्शन में, जैसे मान लो ये कोई ब्लॉक है और इसमें फोर्स जो है दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही है, तो ये वेक्टर में आपने सीखा होगा, तो नेट फोर्स क्या होगी बेटा, ऐड हो जाएगी, क्योंकि अभी थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। जब आप यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये a+b का होल स्क्वायर बनेगा और a+b हो जाएगा, यानी कि F1 प्लस F2। तो जब फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगी वेक्टोरियल, हम यहाँ क्या करते हैं, उनको ऐड कर लेते हैं। ठीक, अगर फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और पहली कौन सी फोर्स लिखते हैं, जो बड़ी फोर्स होगी उसको हम पहले लिखेंगे और जो छोटी फोर्स है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सर ये FNET F2 माइनस F1 नहीं होगा? हाँ सॉरी सॉरी, दिस इज F2 माइनस F1, ये मैंने गलती से लिख लिया था, दिस इज F1। ठीक है, 1 मिनट इसको मैं कंप्लीट लिख लेता हूँ, दिस इज F1। आप समझ आ गया, यस सर। तो दिस इज द राइट वे टू डील विद द कैलकुलेशन ऑफ फोर्स इन अपकमिंग फ्यूचर। और कई बार हम जो है इसके कंपोनेंट भी यूज करेंगे, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गए, ये वाई एक्सिस हो गए, मान लो फोर्स इसमें बेटा इधर को लगा है, ये एफ है, और इधर एंगल मान लो कोई थीटा दिया हुआ है कुछ भी, तो इसके कंपोनेंट इधर को हम क्या लिखेंगे, F cos थीटा, और इधर को लिखेंगे F sin थीटा। तो उस हिसाब से इन फोर्सेज को हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। यानी कि फोर्सेज हमने कहाँ लगानी है, हमेशा कैलकुलेशन फोर्सेज की कहाँ करनी है, एक्स और वाई में, सॉरी दिस इज वाई, एक्स और वाई एक्सिस में। उसके लिए हमको रिजल्टेंट के कंपोनेंट करने पड़ते हैं, कई जगह डायरेक्ट ऐड करना पड़ता है, कई जगह सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू नेचर। इतना समझ आ गया, यस सर। तो इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो मैं ये वीडियो अपलोड करके फिर आप कभी भी इसको देख सकते हैं।